पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी बैठक को लेकर बीजेपी ने अभी से कांग्रेस और आरजेडी पर हमला शुरू कर दिया है। बीजेपी जहां कांग्रेस को 84 के दंगे की याद दिला रही है, तो वहीं आरजेडी के लिए चारा चोर का नारा लगातार सामने आ रहा है। बीजेपी का कहना है कि विपक्षी एकता का ख्वाब वैसे ही बह जाएगा जैसे सुल्तानगंज का पुल गंगा नदी में बह गया। कांग्रेस पार्टी के सब और सभी पार्टी के ऐसा कोई नहीं है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, जो आ रहा है लीडर आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रेसिडेंट है वो भी और राहुल गांधी। तारीख तय होते ही तकरार शुरू हो गई। 23 जून को खड़गे के साथ राहुल के भी पटना पहुंचने की पुष्टि क्या हुई। बीजेपी की पूरी पलटन विपक्ष पर हमलावर हो उठी। बैठक के 15 दिन पहले ही प्रवक्ताओं की पलटन विपक्ष के दाग दिखाने लगी। सियासत मोहब्बत की किस्म पूछने लगी। पलटवार में बुखार का जिक्र भी आ गया। ये कैसी मोहब्बत है जो सिखों का नरसंहार करे, ये कैसी मोहब्बत है जो कोयला लूटे, चारा लूटने वालों के साथ हाथ मिलाए, ये कैसी मोहब्बत है जो सिंगोल का अपमान करे, ये कैसी मोहब्बत है जो अपने ही पार्लियामेंट का बहिष्कार करे, ये कैसी मोहब्बत है जो तब नहीं बोलती जब केरला स्टोरी आती है, ये कैसी मोहब्बत है जो चुप हो जाती है जब राजस्थान में महिला के खिलाफ रेप की गतिविधि बढ़ती है, ये कैसी मोहब्बत है जो उनसे हाथ मिलाती है, उनको गले लगाती है जो हिंदुस्तान को कोसते हैं। ये सब बेकार की बातें उनको कहने दीजिए ना। डरे हुए हैं 24 को लेकर के, उसलिए अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं अभी कर्नाटका हारे, उससे पहले हिमाचल प्रदेश हारे, आने वाला छत्तीसगढ़ हारेंगे, राजस्थान हारेंगे, मध्य प्रदेश हारेंगे, हरियाणा हारेंगे, दिल्ली हारेंगे, झारखंड हारेंगे। अभी चिंता करिए बात। अभी नीतीश कुमार बुला रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल जी जाएंगे, इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें बड़ी बात कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी बराबर एक ही आज की सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ संघर्ष करना जरूरी है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिनके लिए देश सर्वोपरि होते हैं पार्टी नहीं। कर्नाटक की जीत से उत्साहित कांग्रेस 2024 को लेकर उतावली हो चली है। तभी तो केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आपके समर्थन पर खामोश कांग्रेस ने न सिर्फ केजरीवाल की मौजूदगी वाली मीटिंग का न्योता कबूल किया बल्कि बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी पर भी रजामंदी की मोहर लगा दी। हालांकि कभी ममता बनर्जी की तरह तीसरे मोर्चे का राग अलापने वाले के चंद्रशेखर राव की शिरकत पर सस्पेंस अब भी कायम है। नीतीश के निमंत्रण पर 15 दलों के नेताओं की बैठक ने बीजेपी को बेचैन कर दिया। सुशासन बाबू पर सवाली बीजेपी ने सुल्तानगंज का बहता पुल दिखा दिया। विपक्षी दलों की एकता की जो शुरुआत हो रही है और इसमें तय हुआ है कि सभी जो पार्टी लीडर जो होंगे वह रिप्रेजेंटेटिव नहीं, ताकि निर्णय जो है हो सके, तो इस बात को लेकर के हम लोग सब लोग जो है प्रयास हम लोग लगे हुए थे। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्राध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, सब लोगों से बात बात कर रहे थे। हम उनके साथ कई जगह हम भी गए और ये बैठक हो रही है। ये 23 तारीख को जो खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए विफल हैं, वो जहां एकत्रित होने वाले हैं यतीन जी, वहीं पर तो 1750 करोड़ का पूरा ढांचा पानी में बह गया। उनके अरमान भी 2024 में इसी प्रकार से बह जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। कांग्रेस चाहते हैं देश में अगर बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ने के लिए इच्छुक है तो आ सकते हैं। तो नीतीश कुमार जी कभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बुलाए थे तो नीतीश कुमार आए थे। अभी नीतीश कुमार बुला रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल जी जाएंगे, इसमें बड़ी बात क्या है? एक अनार 100 बीमार। अब मुंगेरी तो अनेक हैं लेकिन सपने एक हैं। ये जो परिवार है ये कहता है कि मोदी को हटाएंगे और पब्लिक कहती है मोदी को फिर से लाएंगे। तो अब परिवार की सियासत और पब्लिक का संकल्प देखना है क्या भारी पड़ता है। नीतीश जी चाहते थे कि ये पहली बैठक है तो पार्टी के जो प्रमुख हैं, जो अध्यक्ष है, वो उसमें शामिल हों, तो इसीलिए इस तारीख को बढ़ाई गई थी और अब 23 तारीख रखा गया है। तो हमको लगता है कि उसमें सभी लोग शामिल होंगे और एक अच्छी शुरुआत होगी विपक्ष की एकता की।
पटना में विपक्षी दलों की यह बैठक पहले 12 जून को होने वाली थी, लेकिन कांग्रेस और डीएमके सहित कुछ दलों ने तारीख बदलने का सुझाव दिया, जिसे कबूल करते हुए नीतीश कुमार ने बैठक को स्थगित कर दिया। दरअसल कांग्रेस इस बैठक में अपने प्रतिनिधि के तौर पर राहुल और खड़गे को भेजने से बचना चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार को ये बात पसंद नहीं आई। नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने ही कह दिया कि पार्टी की नुमाइंदगी पार्टी के प्रमुख के चेहरे के जरिए होनी चाहिए, और तभी से राहुल गांधी के विदेश से लौटने का इंतजार होने लगा। कांग्रेस का पूरा स्वभाव एक प्रकार से लोकतंत्र विरोधी और तानाशाही रहा है, और जिस संगत में वो जा रहे हैं, बंगाल में ममता जी क्या करती हैं, विपक्ष के लोग कितने पिटते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव में कितना गड़बड़ी होती है, और जो केजरीवाल जी आ रहे हैं, केजरीवाल जी ने अपने दोस्तों का क्या हाल किया, चाहे कुमार विश्वास हो या योगेंद्र यादव हो या बाकी लोग हों, तो कृपया करके जिनके साथ वो बैठ रहे हैं वहाँ तानाशाही कितनी है, और जो परिवार निष्ठ पार्टियां हैं वहाँ कोई परिवार के खिलाफ बोल सकता है क्या? जो पीछे मीटिंग्स का सिलसिला चला उसकी एक परिणति, खूबसूरत परिणति 23 जून को पटना में होने वाली है, जहाँ से फिर आगे का रास्ता खुलेगा, चाहे कार्यक्रम का सवाल हो या रणनीति का सवाल हो। देखिए 24 का डगर सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, देश की जनता के लिए भी है। होगी तो होगी, कौन पर का पहाड़ गिर जाएगा, अभी तो 12 तारीख को भी हो ही रहा था, समाप्त हो गया, अब 23 तारीख को भी देख लेते, अगर हो ही जाएगा, मीटिंगें कर लेंगे तो कौन पहाड़ गिर जाएगा भाई। नीतीश जी के इसमें क्या है, नीतीश जी का कोई अपनी हैसियत है? एक होने से ना, एक साथ बैठ के चाय पी लेने से क्या हो जाता है? लोग इधर उधर की बात कर रहे थे कि विपक्षी पार्टियों की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रहे थे। हमारे विरोधी बीजेपी को ये अच्छी तरह पता है कि अगर सारे विपक्षी दलों के नेताओं ने संकल्प ले लिया तो भारतीय जनता पार्टी 2024 में 100 सीट भी नहीं ला पाएगी। इसलिए बिहार से जो नीतीश तेजस्वी की जोड़ी ने जो तमाम नेताओं से मिलकर के, सभी दलों के नेताओं से मिलकर के प्रयास किया, पहल की, वो सकारात्मक इसका परिणाम सामने है। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने की रेस में है, वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, इतनी ज्यादा हावी है कि वो किसी दूसरे दल के साथ गठबंधन कर किसी दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करें ये होगा नहीं। और खास तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री का नेतृत्व ना विपक्षी दल के नेता स्वीकार करने वाले हैं, ना ये देश की जनता स्वीकार करने वाली है। नीतीश का मानना है कि अगर सभी विपक्षी दल एक साथ आएं तो लोकसभा में बीजेपी को हराया जा सकता है, लेकिन बीजेपी विरोधियों की जमात में कई पार्टियां कांग्रेस के दबदबे को लेकर भी आशंकित हैं। पटना से अमिताभ ओझा के साथ ऋषिकेश कुमार, दिल्ली न्यूज 24।